लालू प्रसाद यादव जी के जो सुपुत्र हैं तेजस्वी यादव जी बोल रहे हैं कि हम तो इतने सारे नौकरी दे रहे हैं रोज के रोज और मोदी जी को सिर्फ राम मंदिर के अलावा कुछ सूझ नहीं। एक बात बताइए, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और वो 9वीं क्लास फेल है, उसकी बातों का क्या जवाब दूं मैं? अनाप शनाप कुछ भी बोल देगा वो तो। लालू यादव का बेटा 9वीं फेल है, आपको बताइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं? नहीं बोला, बोल दीजिए, नहीं बोला, आपने भी देखा होगा बोला है। अब 9वीं फेल की बातों का क्या जवाब दूं मैं, बताओ, मैं उनको लायक ही नहीं समझ। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो मंदिर पे, उस पर हॉस्पिटल बनाओ, स्कूल बनाओ, उससे जनता को फायदा होगा। ये राम मंदिर पे इतने लाखों करोड़ अयोध्या पे खर्च कर रहे हो, क्या फायदा होने वाला है इसका? मेरे को एक बात बताइए, मुझे ज्ञान मत दे कोई, बाबरी मस्जिद के लिए 25 एकड़ जमीन बनी है ना, मिली है ना, उस पर हॉस्पिटल बनाओ, शुरुआत तो आप करो ना, पीछे हम करेंगे। आप उस पर पहले जा करके हॉस्पिटल बनाओ, उस पर स्कूल बना दो, मत बनाओ मस्जिद। मैंने कब मना करा? हमारा वहाँ मंदिर था, मंदिर बनेगा। आप बता रहे मंदिर से क्या फायदा होगा? आप एक बात बताइए, आज अयोध्या के अंदर सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है, क्यों? लोग यहाँ से अयोध्या दर्शन करने जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, अपनी गाड़ियों से जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सरकार को रिवेन्यू मिलेगा कि नहीं मिलेगा? दूसरी चीज़, वहाँ जाएंगे तो कहीं रुकेंगे भी, रूम भी लेंगे, इकोनॉमी में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? अब वहाँ रुकेंगे, प्रसाद भी लेंगे मंदिर के लिए, तो प्रसाद खरीदेंगे तो भारत की इकोनॉमी में पैसा आएगा कि नहीं आएगा? और मंदिरों से फिर जो सरकार को टैक्स जाता है, वो टैक्स जाएगा कि नहीं जाएगा? मंदिर बनने में हजारों मूर्तिकारों को नौकरी मिली कि नहीं मिली? आप ये बताइए, कैसी बात कर रहे? कुछ सवाल सुनिए, मैं बता देता हूँ आपको। आप मंदिर, राम मंदिर जाइएगा, आपको पूड़ी भी मिलेगी, सब्जी भी मिलेगी और साथ में हलवा भी मिलेगा। पूड़ी सब्जी जो आपने बोला, ये भूखे का सवाल उठाए तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि राम मंदिर जो बन रहा है, एक भूखे को जो भूख लगेगा तो कहाँ जाएगा? राम मंदिर के आगे जाने से खाना मिलेगा? मिले क्यों नहीं मिलेगा? तेजस्वी यादव को भेजना, उनको पूड़ी सब्जी हलवा और साथ में पानी भी देंगे और उसके बाद 4 जूते मार के भगाएंगे भी। जी बिल्कुल। हाल ही में उन्होंने एक और सवाल उठाया, बोल रहे हैं कि मोदी जी जो इतना बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, बोले दिन भर जो इतना पाप करते हैं, इतने सालों से, 10 सालों से और पहले से इतना पाप करते हैं, राम राम मुंह में जपते रहते हैं और इतना पाप करते हैं, उससे राम की कृपा नहीं होने वाली मोदी जी को? ये बात कौन बोल रहा? चारा चोर का बेटा, जिसके बाप ने गाय भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गया। लालू प्रसाद यादव किसी का चारा नहीं छोड़ा, गाय से लेकर भैंस बैल बकरी सबका चारा खा गया। नेताजी का नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और लालू प्रसाद यादव के बेटे का नारा है, तुम मुझे जमीन दो बिहार में मैं तुम्हें नौकरी दूंगा। कह दो तो झूठ बोल रहा हूँ। CBI की जांच चल रही है, अभी जेल जाएगा, 9वीं क्लास फेल है, कुछ भी बोलता, ध्यान क्यों देते पत्रकार महोदय? और ये जो मोदी जी को झूठ बोलने की फैक्ट्री बता रहे हैं कि बोले फैक्ट्री भी है ये, प्रोड्यूसर भी झूठ बोलने का प्रोड्यूसर है और झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर भी मोदी जी है। अब एक बात बताइए पत्रकार महोदय, फैक्ट्री की बात कौन कर रहा है? लालू प्रसाद यादव जी का बेटा, जो कहते हैं, जो जिनके जिनके साथ ये गठबंधन में है, नेताजी क्या कहते हैं, इनके लड़का लोग तो डेली करबे ना करता है जी, सुना होगा आपने वो बयान। एक तरफ ये इंडिया अलायंस वाले कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और देश की आधी आबादी महिलाओं को बच्चा पैदा करने की मशीन बोलते हैं, या तो गलत बोल रहा हूँ मैं तो? इतना राम राम हो रहा है, इतना राम मंदिर हो रहा है, बोल रहे हैं कि जो लोग बीमार होते हैं वो क्या राम मंदिर जाएंगे इलाज कराने के लिए, जो इतना राम मंदिर और राम मंदिर देश में कर रहे हैं? उन्होंने एक बयान और दिया है कि भैया BJP ना राम यात्रा निकाल रही है, 2 महीने तक सबको राम मंदिर के दर्शन कराएगी। क्या 2 महीने तक ये? भैया अगर BJP राम यात्रा निकाल रही है, BJP राम राम कर रही है, तो आप बाबर और औरंगजेब कर लीजिए। रोका आपको किसी ने, या आपको किसी ने राम राम करने से रोका? आप भी करिए। बिहार में कौन से डिस्ट्रिक्ट? बेगूसराय। बेगूसराय से हैं, आपके ही उप मुख्यमंत्री यशस्वी तेजस्वी यादव जी, उन्होंने बयान दिया है कि इतने ज्यादा जो पैसे लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं अयोध्या पे और राम मंदिर पे, वो अगर स्कूल पे खर्च होता, हॉस्पिटल पे खर्च होता, तो उससे जनता को फायदा पहुंचता। ये इतने लाखों करोड़ खर्च के क्या फायदा मिलेगा अयोध्या में? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक इंसान जो है चार बाय चार के कमरे भी रह सकता है, तो तेजस्वी यादव जी को अपना परिवार भी जो है 4x4 के कमरे तक ही सीमित रखना चाहिए, और जितने उनका घर है, घर की जितनी जमीन है, उस जमीन को खुद क्यों नहीं टॉयलेट के लिए, स्कूलों के लिए, अस्पतालों के लिए दे देते हैं? और उतना ही है, स्कूल और यूनिवर्सिटी कहीं बन सकती है, बन भी रही है। ऐसा नहीं कि मोदी सरकार जी एम्स नहीं बनवा रहे, IIMs नहीं बनवा रहे, उन सब का भी कार्य चल रहा है, पर जो जन्मस्थली है, जो हमारे जो प्रभु है, जो हमारे इष्ट है, उनके पूजा के लिए जहाँ पे वो मंदिर बनना चाहिए,
और मंदिर केवल एक सांस्कृतिक पहचान नहीं है, उससे देश की उन्नति होती है, राष्ट्र उससे आगे बढ़ता है। बोल रहे हैं कि मंदिर जाने से किसी का इलाज थोड़ा हो जाएगा, कोई बीमार है वो हॉस्पिटल जाएगा या मंदिर जाएगा जो आप मोदी सरकार मंदिर बना रही है। मंदिर उस भाव को पैदा करता है जिस भाव से तेजस्वी यादव ये बातें भी कह रहे हैं, जिस भाव से हम किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं वो भाव ही मंदिर पैदा करता है। धर्म है ही वो, लोगों की सहायता करना, करुणा, प्रेम, मंदिर ये पैदा करता है। और मंदिर के साथ साथ बहुत सारे लोगों को रोजगार भी तो मिलेगा, कितना टूरिज्म आएगा, इकोनॉमी भारत की अच्छी होगी, जो वहाँ पे मूर्तियाँ होंगी, मूर्तियों में कपड़ा वस्त्र बनाया जाएगा, साफ सफाई होगी मंदिर की, और रोज प्रसाद चढ़ेगा, कितने वहाँ पे फिर फूल मालाएं चढ़ेंगी, पूरा एक टूरिज्म सेक्टर होगा और जिससे जो देश की आर्थिक व्यवस्था ही अच्छी होगी। और इस पे क्या बोलिएगा जो बोल रहे कि मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, वो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो इतना झूठ बोलते हैं। अब मोदी जी ने कितना झूठ बोला और कितना क्या प्रोड्यूस करा वो तो देश जानता है, और 2024 में वो फिर बताएगा ही। और जहाँ तक बात रही दूसरे पे उंगली उठाने की, तो स्वयं कितना तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने क्या करा बिहार के, मैं तो रोज के रोज लाखों नौकरी बांट रहा हूँ बिहार के युवाओं को। मोदी जी तो सब राम राम करते हैं, राम मंदिर डेली बोलते हैं, मैं तो लाखों नौकरियाँ बांट रहा हूँ, शिक्षकों को नौकरी दे रहा हूँ, लाखों सरकारी नौकरी दे रहा हूँ। अब उनके नौकरी बांटने का तरीका वो सब जग जाहिर है कि भैया जमीन दो और नौकरी लो, ये तो वही वाली बात होगी कि भैया आप मुझे पैसा दे रहे हो पर मुझे खाने के लिए जब रोटी आ रही है अब घर में रोटी दे दो हमें, क्या मतलब किस चीज का बता रहे हैं, क्या सिस्टम था जमीन दो नौकरी लो? ये जो स्कैम जो वहाँ पे जो भी जिसपे सारी कार्रवाई श्री यादव ने किया, हाँ जिसपे जो लैंड फॉर जॉब जो स्कैम है उस जॉब उसके इसके स्कैम को देती है सारे जो है इनको ईडी सीबीआई जो इनको बार बार बुलाई जा रही है। तो जैसे कि ये पैसा तो दे रहे हो पर वो पैसा किस लिए कमा रहा है, अपने जीवन को जीने के लिए कमा रहा है, अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ को जीने के लिए कमा रहा है, पर जब आप उसको कहते पैसा दे रहे हो पर जो वो चीज़ें खरीद रहा है, फोन खरीद रहा है, खाना खरीद रहा है, और वो खाने छीन ले रहे हो, फोन ही छीन ले रहे हो, तो फिर क्या फायदा उस पैसे का, क्या करेगा उस पैसे का, वो तो उसके लिए कागज ही है। तो ये वही तरीका हो गया कि आप किसी से जमीन मांग रहे हो और कह रहे हो नौकरी ले लो, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। एक सवाल उठाया जा रहा है जो राम मंदिर को बोल रहे हैं कि अयोध्या में लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है जो मोदी सरकार, बोल रही है अगर ये शिक्षा पे स्वास्थ्य पे खर्च होता तो कितने जनता खुश होती, कितने जनता को सर्विस मिलती। अभी एक क्वेश्चन मेरा इनसे आ जाए, बोल रहे हैं कि कितना शिक्षा पे खर्च होता, ये होता वो होता, तेजस्वी यादव बोल रहे हैं आज से पहले जब राम मंदिर नहीं था तो कितने पड़ गए, जब डा आ गया था तब कितने पड़ गए, डा आने से लेके आए तक कितने पड़ गए, और जब नहीं था वो ये बोलते हैं कि किसी के पास रोटी नहीं है, गरीबी है, ये है, जब राम मंदिर नहीं था तब क्या गरीबी हट गई थी या उसके ना होने से हट जाएगी? आप गोदाम की रोटियां खाते थे जी, राहुल गांधी ने देखा है। एक बात बताइए, ये लोग कहते भैया महंगाई बहुत हो गई, सिलेंडर 1100 का हो गया, जब सिलेंडर 400 का था तो स्मृति ईरानी रोड पर बैठ जाती थी, आपके पास भी है प्रियंका गांधी बिठाइए रोड पे, कोई नहीं बिठा रहे, हिम्मत नहीं है क्या, बिठाओ ना रोड पे, मना करा मैंने। देश के अंदर जो माहौल चल रहा है सर, एक तरफ राम मंदिर का विषय चल रहा है तो दूसरी तरफ देश में तानाशाही का चल रहा है कि देश में तानाशाही भी हो रखी है, 9.5 साल में बोल रहे हैं कि तानाशाही कर रखी है, तो एक तरफ ये भी बोला जा रहा है कि देश का ज्वलंत मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, इससे भी लोग परेशान हैं। अगर हम टोटल विश्लेषण करें आप 9.5 साल का रूल जो रहा है इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का, कैसा लगता है अभी सरकार, मतलब ऐसे कुछ काम हुए जिसके कारण जनता चुन के आएगी, जनता चुन के लाएगी मोदी जी वापस रिपीट करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार? बिल्कुल बनना चाहिए, मोदी साहब का जो भी रूल है, जो भी उसमें कमियां भी कुछ रही होंगी, पर बाय एंड लार्ज वो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, फॉर अ चेंज। जो मिस रूल चल रहा था पिछले 65-70 साल से, उसको ख़त्म करने के लिए एक शुरुआत है, उसको भी उतना टाइम देना चाहिए। इतने ही टाइम में उसने इतने अच्छे रिजल्ट दे दिए हैं, कमियां भी रही हैं। रिजल्ट बता सकते हैं अच्छे क्या रिजल्ट आएगा आपके हिसाब से? बहुत से बोलते जैसे 370 है, राम मंदिर हो गया, बहुत से प्रॉब्लम बता रहे हो, यू आर गाइडिंग मी टू द क्वेश्चन नो, 370 ये सब बहुत अच्छा, हमारा सिर्फ थोड़ा गर्व से ऊंचा है, 700 साल से लगातार एक नैरेटिव बिल्ड किया हुआ था कि हम लोगों को पर किसी ने रूल किया ना, उन्होंने वो आज भी उस चीज़ को यूलोजाइज करते हैं कि ये लोग हमारे गुलाम रहे हैं, हम फिर से वो करेंगे। मोदी जी ने उसको इफेक्टिवली काउंटर किया, ये नहीं कि उनसे दुश्मनी कर रहे हैं, आज तक मोदी जी ने एक शब्द उनके अगेंस्ट नहीं बोला होगा। ये आम जनता का, मुल्क के 100 करोड़ 125 करोड़ लोगों में जो कलेक्टिव गुस्सा है वो निकल रहा है, जो आप देख रहे हो वो निकलना भी चाहिए। 700-800 साल का जो दिक्कत चल रही थी प्रोसेस, चाहे वो इन्वेजर्स हो, चाहे वो मुगल रूल हो, चाहे वो ब्रिटिश रूल हो, भी हाँ वो चल रहा है। अब ब्रिटिश को उन्होंने, उनके भी जो सिग्नेचर्स नज़र आते हैं वो सब खत्म कर रहे हैं,
उनके नाम भी ख़त्म कर रहे हैं जगह जगह से। और जो मुगल्स का है, मुगल्स किसको बोलते हैं, मुगल क्या होता है, मुगल होता है समथिंग बिग, ये इंग्लिश शब्द है, उसको इतना बड़ा उसकी राज था, औरंगजेब की सेना थी, कि उसको मुगल कहा गया, एक मुगल, बिग मुगल बोलते हैं ना, वो बोला गया था। पर वो थे कौन, आतताई थे, जो डेरे थे नेटिव पॉप, वो लूटने के लिए आए थे, उनको यहाँ मन रम गया, यहीं रह गए। पर इसी विषय पे आऊंगा सर, आपने आतताई और लुटेरे का नाम लिया, मुगल का नाम लिया, राम मंदिर जो 500 साल पहले डिस्ट्रॉय किया गया था बाबर के जो सेनापति उन्होंने, अब वो वापस से बन रहा है, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है। कुछ देश में ऐसे लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं उस मंदिर के ऊपर, बोल रहे हैं कि ठीक है आपने, मतलब मंदिर बन रहा है, आस्था का विषय है, पर बोल रहे हैं कि पुरानी चीज़ों को क्यों कूड़े देना, वो पुरानी चीज़ें हैं। आप अभी राम मंदिर का बोल रहे हो, कल को बोलोगे कि ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में या कृष्ण जन्मभूमि यहाँ पर अयोध्या में, ये बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए। आप 125 करोड़ जनता, उसको जो इतनी बुरी तरह से दबा रखा है फॉर सेंचुरीज, आप उसको सप्रेस कर ही नहीं सकते अब आगे से। ये तो डेमोक्रेसी है, इसलिए लोग इतना बोल रहे हैं उल्टा सीधा। हम लोग इस तरह की डेमोक्रेसी के लायक भी नहीं हैं। हर आदमी कुछ के अपना नैरेटिव, और ख़ास तौर पे इस सोशल मीडिया के टाइम पर एवरीबडी हैज़ बिकम एन ऑथर एंड अ टॉकर, ए स्पीकर। इसी वजह से आप इतना नैरेटिव देख रहे हैं, उसी में ये रॉन्ग नैरेटिव भी हैं, जो कि आपको एक आदमी सॉल्यूशन दे रहा है, उसके बहुत लोग अपोज करने वाले होंगे, जिन लोगों के ऊपर केसेस चल रहे हैं, आप देखो करप्शन के केसेस चल रहे हैं ना, बड़ी मुश्किल से तो ईडी ने लोगों के ऊपर एक्शन करना शुरू किया, बड़ी मुश्किल से। अब वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं, ये गठबंधन बना है, दिस इज़ अ ब्लडी बास्केट ऑफ करप्ट पीपल, ये तो कचरे की वो है, टोकरी है, कचरे की ढेरी है। ये लोग आपसे इकट्ठा होकर ये नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस ये यही पूछ रहे हैं अब जनता से, कहीं ना कहीं फंसाओ जनता को, ऐसा अब होने वाला नहीं है, अब होगा ही नहीं, अब ये चल पड़ा है, इसको रोकने वाला अब कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, ये कितनी भी कोशिश कर ले। हाँ, ये साउथ में थोड़ा बहुत, क्योंकि इनहेरेंटली जो नॉर्थ इंडियन पार्टीज़ हैं या मोदी जी हैं, इन्होंने अभी पैठ नहीं बनाई है साउथ इंडिया, उनको वहाँ कंसंट्रेट करना चाहिए, उनको साउथ की लीडरशिप खड़ी करनी चाहिए। मैं तो, हम लोग तो बैठे आम पब्लिक हैं, सलाह दे सकते हैं, वो उन्होंने नहीं किया, इस वजह से ये लोग उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका तो काम है लड़ाना, एक 70 साल में या 60 साल में एक काम ऐसा नहीं किया कि जनता को जोड़ो, एक काम ऐसा नहीं किया कि जनता को जोड़ो, एक धागे में पिरो नहीं, 70 बोल रहे हैं कि हमने धर्म धार्मिक शांति बना रखी थी, देश में भाईचारा था, सेक्युलरिज्म था। सेक्युलरिज्म क्या होता है, वो बोलते हैं ना, हमने मोहब्बत की पार्ट वो खोल रखी, दुकान मोहब्बत की दुकान खोलेंगे राहुल गांधी, उसकी डेफिनेशन पता है क्या है, मोहब्बत इस्लाम में किसको कहते हैं, हमें शब्द नहीं बोलना चाहिए, उसमें कहते हैं अगर तुम मुस्लिम हो तो हमारी मोहब्बत की दुकान है, और दूसरे काफिर हैं, काफिर शब्द का क्या मतलब है, नॉन बिलीवर्स जो उसमें उस ईमान पे बिलीव नहीं करते। मैं क्यों करूं, कोई क्यों करे, तो एक्चुअली द वर्ल्ड ओवर आज जो नैरेटिव इंडिया में चल रहा है, दिस इज़ द वर्ल्ड ओवर, और बहुत जल्दी ये बहुत उभर के सामने आने वाला है, क्योंकि अति हो चुकी है, ये उनके फाइनल स्टेजेस चल रही हैं। दिए की रोशनी होती है ना लो, वो जब बुझने से पहले बड़ी तेज़ हो जाती है, आज वो फ्लेयर अप है, और उनका साथ दे रहे हैं ये पार्टियाँ, इनको वोट बैंक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आपने जो कल्चरल नैरेटिव की बात करी, जो इतने साल की बात बताई, इस देश में ऐसे भी कुछ लोग हैं, अभी हाल ही में कुछ विपक्ष के लोग हैं, आज एनसीपी के एक नेता हैं, शरद पवार जी की जो पार्टी है, उनके एक एमएलए ने बोल दिया कि जो राम जी हैं, श्री कृष्ण श्री राम हैं, वो मांसाहारी थे, वो मांस खाते थे, इनका गलत नैरेटिव बना रहे हैं, वो मांस खाते थे, तो लग रहा है ये थोड़ा जिस तरीके की बात बोले जा रहा है राम को लेके, ये गलत है, 24 में एक इसका इफेक्ट पड़ेगा, ये प्रिंसिपल्स टेंडेंसीज हैं जो ये लोग करेंगे, ये दिमाग से पैदल हैं, ये सिर्फ यही काम करेंगे और कुछ कर ही नहीं सकते, ये नई 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 उल्टी सीधी बातें करेंगे लोगों का, पर अब वो ख़त्म हो चुका, ये कुछ भी बोल लें इन चीज़ों का कोई असर नहीं होने वाला, कोई असर, ये सिर्फ एक पार्ट एक उसको लेवर करने के लिए है, जो आप समझ रहे हो कौन सा वोट बैंक है, जो कि आर्टिफिशियली बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बाय इंक्रीजिंग बर्थ रेट या बाहर से इंपोर्ट करके बुलाओ लोगों को, वो सब करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी बड़े इफेक्टिवली उसको टैकल कर रहे हैं, उसका सोल्यूशन असल में निकलेगा जब मोदी जैसे और आ जाएंगे, जैसे योगी जी हैं, तब निकलेगा सोल्यूशन, ऐसा नहीं है
कि सारे मुसलमान गलत हैं, ऐसा नहीं है। उसमें जो जिहादी एलिमेंट है वो गलत है। आम आदमी तो रोटी कमाए खाए यही तो करेगा, चाहे वो मुस्लिम उसके धर्म से। लग रहा है 70 सालों में थोड़ा सा इनको संरक्षण मिल रहा था इन एलिमेंट्स को, या कांग्रेस पार्टी और जो पार्टी रूल में थे एक तरह से संरक्षण दे रहे थे इन एलिमेंट्स को सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर। अरे भाई साहब, अगर 7 गुनी पॉपुलेशन, 5 गुनी पॉपुलेशन बढ़ गई है तो इसकी क्या वजह है? संरक्षण में ही तो बढ़ती है। एक बात बताओ मुझे, उनको कोई किसी किस्म की आप समझिए कोई चिंता ही नहीं है। उनको पता मेरे वोट की वैल्यू है, इसलिए 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे पैदा करो। क्या है ये सब? क्या इस मुल्क की हमारी इकोनॉमी की कैरिंग कैपेसिटी है इतनी पॉपुलेशन? टेल मी, है कोई? हर चीज़ की एक कैरिंग कैपेसिटी होती है। एक कंपनी में भी ये असेसमेंट किया जाता है कि हम कितना स्टॉक कैरी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है? कोई है ही नहीं, असेसमेंट ही नहीं है, सिर्फ वोट बैंक, डर्टी पॉलिटिक्स, और कुछ है ही नहीं। इसको जितना खत्म, एक आरोप इस सरकार के ऊपर लग रहा है कि 10 सालों में बहुत मतलब बेरोजगारी कर दी है और तानाशाही कर रही है सरकार, डिक्टेटरशिप कर रही है, तानाशाही। मोदी जी मतलब एक काइंड ऑफ वन रूल पार्टी से वन पार्टी रूल करने का कोशिश कर रहे हैं देश के अंदर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। ये अगर कोई इनकैपेसिटेटेड है तो उस अपनी वजह से है। अगर ये अच्छा, ये तो अच्छे ओपोजिशन भी नहीं है, प्रॉब्लम ये है इनके साथ, दे डोंट प्रूव टू बी ए गुड ओपोजिशन। अरे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करो, कुछ भी बात लेके हर बात पे अपोज करना ये ठीक नहीं।